जलंधर में आए विधानसभा में सीएलपी के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर धार्मिक चिन्हों की बेअदबी को लेकर कुछ तीखे प्रहार की। उन्होंने कहा कि यो लोग कभी सरदार भगत सिंह की बातें करते थे, वो आज पंजाब के लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं और धार्मिक चिन्हों का नुकसान करके राजनीति कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन नेताओं पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं और उस पर फुल्का का ये कहना कि केजरीवाल हरमंदर साहब में सिर्फ सेवा करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अभिमान है इनके अंदर और एक सिख होते हुए फुल्का जी को ऐसा कहना ठीक नहीं है। जलंधर से परमजीत के साथ बिक्की कंबोज। मेरे लिए हैरानी की बात है कि जो कल भगत सिंह की बातें करते थे आज वो पंजाब के लोगों की भावनाओं को भड़का कर धार्मिक चिन्हों को नुकसान करके वो राजनीति कर रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि उनका कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने में बार नाम आया है, उनका नाम सिख धर्म की भावनाओं को भड़काने में आया है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे ये बड़ा खेद हुआ ये सुनकर कि जो फुल्का जी ने कहा है कि जी केजरीवाल जी यहाँ सेवा करने आएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये उनका एरोगेंस है, एक गुमान है उनके अंदर जो वो एक सिख को खास तौर से फुल्का जी को शोभा नहीं देता। फुल्का जी 32 साल सिख कौम के वकील रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं, वो 32 सालों में सिख कौम को 84 राइट्स के लिए इंसाफ नहीं दिला सके, तो उनको खुद बजाय इसके कि वो राजनीति करें उनको हरमंदर साहब में जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए सिख कौम से कि मैं आपका वकील था, मैं आपकी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया, मैं आप सिख कौम को इंसाफ नहीं दिला पाया। पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डिंगरा बाजे। अब केजरीवाल जी राजनीतिक तो नहीं है, ये एक नौकरी छोड़कर राजनीति करने लगे हैं और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि बहुत ज़्यादा झूठे वादे और छल कपट पे अपनी राजनीति को स्टैंड कर लिया।